क्योंकि मतलब पैसा होता है तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आपको लाइक केयर चाहिए हो, आप खुद ही अपने सारे लाइफ में एडवेंचर्स करते रहते हैं। पैसा अगर है और पीस नहीं है लाइफ में तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप केयरिंग की तरफ जाते हैं तो पैसा आ सकता है, पैसा अर्न भी किया जा सकता है। खूबसूरत को क्या करना, खूबसूरत तो आज की खूबसूरत मरियम नवाज भी खूबसूरत है, कोई देखता भी नहीं। अब वफा होनी चाहिए ना, खूबसूरत को क्या करना, कल को काली हो जाएगी। दो शादियाँ करनी है ना हमने ना, एक वफादार एक खूबसूरत, वो दोनों हो जाएंगी हमारी। देखो हम काम पे आओ पीछे से हमारे घर के ख्याल रखेगी, ठीक है। खूबसूरत ये होती है कि तुम काम पे आओ जो पीछे से किसी और के साथ गेम डाली हो। मेरी बात माने, खूबसूरत होगी अगर वफादारी नहीं करेगा फिर क्या फ़ायदा होगा। तो जहरी सी बात है, हर बंदा अपने उस पर डिपेंड करेगा कि वफादार से ही हमें। अभी ये तोड़ी कि खूबसूरती के पीछे भागे हम, खूबसूरती में क्या रखा हुआ है। खूबसूरत तो सांप भी है, जैसे उसके अंदर का जहर किसी ने नहीं देखा कैसे डसता है वो। अल्लाह ताला की इस खूबसूरत कायनात में हम सब अपनी पैदाइश के आगाज से ही बहुत से रिश्तों में बन जाते हैं, जैसा कि माँ बाप और बहन भाई वगैरह, और फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ इन रिश्तों में इजाफा होता रहता है। इन सब रिश्तों में एक बहुत अहम और खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी यानी कि लाइफ पार्टनर का रिश्ता होता है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, हर एक इंसान की अपनी तरजीहात होती हैं, हर एक का अपना एक आइडियल होता है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम एक यही सवाल लेके पब्लिक में आए हैं कि आजकल की लड़कियां और लड़कों को जीवन साथी कैसा चाहिए, अमीर या फिर केयर करने वाला हो या मोहब्बत करने वाला हो। लड़कों को अपनी लाइफ पार्टनर कैसी चाहिए, वफादार होनी चाहिए या खूबसूरत होनी चाहिए। आज हम यही टॉपिक लेके पब्लिक में निकले और हम चलेंगे पब्लिक में और जानेंगे उनके रिव्यूज़ के आखिर उनको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। तो चलिए हमारे साथ हम जानेंगे लड़के और लड़कियों के ओपिनियंस। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लाला? मुझे ये बताओ आपको खूबसूरत बीवी चाहिए या वफादार बीवी चाहिए? वफादार बीवी चाहिए, खूबसूरत क्या? वफादार बीवी चाहिए, खूबसूरत क्या करना है? वफादार क्यों चाहिए बीवी? बस वफादार होते हैं ना कि वापस ही गुजारते हैं। हाँ जी, खूबसूरत क्या है? खूबसूरत तो यार जगह वो वक्त ही नहीं गुजारता कि वफादार से गुजारते हैं। वफादार चाहिए, खूबसूरत को क्या करना है? वफादार क्यों चाहिए? वफादार जो है ना अपना ख्याल करे, घर का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, वो होते हैं वफादार। खूबसूरत को क्या करना, खूबसूरत तो आज की खूबसूरत मरियम नवाज भी खूबसूरत है, कोई देखता भी नहीं। अब वफा होनी चाहिए ना, खूबसूरत को क्या करना है, कल को काली हो जाएगी। फायदा मुझे कोई नहीं चाहिए, शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो शुक्र है। वफादार है या खूबसूरत है? वफादार है। दोबारा शादी करने का मौका मिले तो? नहीं नहीं, बस एक ही बड़ी है, एक ही दौर में एक ही बड़ी है। मुझे ये बताएं आपको हस्बैंड कैसा चाहिए, रिच चाहिए या फिर केयरिंग चाहिए? रिच। ऐसा क्यों? क्योंकि रिच होगा तो मैं अपनी केयर खुद ही कर लूँगी। मतलब रिच होगा आप केयर अपने खुद कर लूँगी, तो आपको हस्बैंड की केयर नहीं चाहिए? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब पैसा होता है तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आपको लाइक केयर चाहिए हो, आप खुद ही अपने सारे लाइफ में एडवेंचर्स करते रहते हो। लाइफ नहीं हो जाती? नहीं, सही है केयरिंग। अरे अल्हम्दुलिल्लाह है भी। तो अमीर नहीं आपको चाहिए? केयरिंग हो गया तो फिर चल जाएगा। आपको वफादार बीवी चाहिए या खूबसूरत बीवी चाहिए? दोनों चाहिए, इकट्ठी चाहिए। दोनों नहीं है, एक बताएं। दो शादियां करनी है ना हमने ना, एक वफादार एक खूबसूरत, वो दोनों हो जाएंगे हमारी। अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे। अभी आप ये बताएं, अगर आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? वफादार। क्यों? हाँ वफादार अच्छी होती है। कैसे? देखो हम काम पे आओ पीछे से हमारे घर के ख्याल रखेगी, ठीक है। खूबसूरत ये होती है कि तुम काम पे आओ जो पीछे से किसी और के साथ गेम डाली हो। वफादार। क्यों? वफादार सही होता है, टाइम गुजारा जा सकता है। खूबसूरत से नहीं होता? खूबसूरत क्या कह रहे हैं, खूबसूरत दिल होना चाहिए, खूबसूरत वफादार चाहिए। वफादार बीवी क्यों चाहिए? इसलिए क्या कि घर में खिदमत करे, माँ बाप की खिदमत करे, हमारी खिदमत करे और घर को संभाले और अच्छी तरह यानी कि घर को साफ रखे, तो इसलिए वफादार चाहिए। मेहमान आ जाए, कोई लोग आ जाए घर में, उनका खिदमत करें। खूबसूरत बीवियाँ नहीं करती खिदमत? खूबसूरत करती है, लेकिन ये ना कि वफादार अच्छी होती है, बात समझती है, ठीक है ना, लेकिन ख्याल रखती है। खूबसूरत क्या करो, जब बात नहीं समझते, इज्जत नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, तो खूबसूरत क्या आप देखेंगे? खूबसूरत है, वफादारी मैटर करती है ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह वफादारी मिली है मुझे। वफादार से क्यों? वफादार खूबसूरत ही हो जाए,
नहीं है, एक चीज़ बताएं, खूबसूरत है पर वो वफादारी नहीं करती, वफादार है पर वो खूबसूरत नहीं, क्या चाहिए आपको? वफादारी। क्यों चाहिए? वफादारी करे मेरे साथ, बाहर ना जाए, मेरी बात माने। खूबसूरत होगी अगर वफादारी नहीं करेगा फिर क्या फ़ायदा होगा? वफादार। क्यों? क्योंकि वफादार का तो आपको भी पता है, वफादार वफादार होती है, लेकिन खूबसूरती पे खूबसूरत बेशक ना हो, खूबसूरत बेशक ना हो, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि माँ बाप की जैसी रजामंदी होना, चाहे वो लंगड़ी क्यों ना हो। आप उसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको वफादारी या खूबसूरती, वफादारी एक चीज़ रखनी है, वफादारी क्यों रखेंगे आप वफादारी? तो जहरी सी बात है, हर बंदा अपने उस पर डिपेंड करेगा कि वफादार से ही हमें, अभी ये तोड़ी कि खूबसूरती के पीछे भागे हम, खूबसूरती में क्या रखा हुआ है? खूबसूरत तो सांप भी है, जैसा उसके अंदर का जहर किसी में नहीं देगा, कैसे डसता है वो? वफादार से ही खूबसूरती को क्या करना है, वो तो एज के साथ साथ खूबसूरती सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो वफा है वो तो माशाल्लाह लाइफ टाइम, आप समझदार हैं और पढ़ी लिखी भी, आपको पता है इस चीज़ का। खूबसूरत और वफादार दोनों? नहीं, दोनों नहीं, एक बताएं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए जो आप चाहते हैं, पर अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको खूबसूरत चाहिए या वफादार, दोनों में से एक चीज़। वफादार, वफादार होगी तो खूबसूरती वैसे ऑटोमेटिकली उसमें होगी। ये तो आपको टू इन वन चाहिए ना, ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दोनों में से एक चीज़ को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे? वफादार। वफादार क्यों चूज करेंगे? बस खूबसूरती जो है वो कुछ दिन की होती है, जो वफादारी होती है वो सारी उम्र की होती है। मुझे ये बताएं कि आपको हस्बैंड कैसा चाहिए, केयरिंग हो और वो रिच नहीं है, अगर रिच है तो वो केयरिंग नहीं है। आई थिंक केयरिंग हस्बैंड जो है वो मेरी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि पैसा अगर है और पीस नहीं है लाइफ में तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप केयरिंग की तरफ जाते हैं तो पैसा आ सकता है, पैसा अर्न भी किया जा सकता है। नहीं, वफादार होनी चाहिए, खूबसूरती तो बात यह है कि देखिए वफा वफा होना चाहिए बस, और खूबसूरती तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ, खूबसूरती बन जाएगी जब वफा होगी, सही बात है। नहीं, मैं सिंगल फिलहाल। नहीं, आपको कैसी चाहिए? वफादार भी हो, प्यारी भी हो। नहीं, एक चीज़ बताएं, अल्लाह आपकी दुआ पूरी करे, पर आपने अभी एक चीज़ बताई, वफादार हो, क्योंकि पठान वैसे भी खूबसूरत होते हैं, वफादार तो वफादार होनी चाहिए, पठान तो खूबसूरत ही होते हैं। खूबसूरत चाहिए। क्यों? तो मैंने दो ही रखा हुआ है, एक खूबसूरत है, एक वफादार है। आपकी दो शादी जी? दो है। दो और करनी है? नहीं नहीं, मैंने दो किया ऑलरेडी, बस है, बस है, बस है। अगर आपको दोबारा मौका मिले शादी करने का तो खूबसूरत से करेंगे, वफादार से करेंगे? हाँ, किसी से भी नहीं करना है, पहले से इतना खर्चा पानी एक बार किस तरह करेंगे, खुद पागल, एक से महंगाई या दूसरे से तीसरे शादी करवाने अपने। अच्छा बताएं, आपको वफादारी और खूबसूरती के अंदर से एक चीज रखनी हो तो आप क्या रखेंगे? खूबसूरती। क्यों? खूबसूरती हो, खूबसूरत हो, वफादार बेशक ना हो। ना ना हो, वफादार रहने दो, खूबसूरत हो सिर्फ। वफादार क्यों? वफादार तो काम है, खूबसूरत को क्या करना है, जिसमें वफा ही नहीं वो कैसे खूबसूरत हो सकती है? वफा वफा है, जिसमें वफा नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं हो सकती, और जो खूबसूरत है उसमें वफा नहीं होती। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, वो उसकी खूबसूरती नहीं है, वो तो फिर बुजारू औरत है जिसमें वफा नहीं है। हस्बैंड वाइफ जैसे भी हो, लाइफ पार्टनर जैसा भी हो, उनमें अगर वफा नहीं होती, अगर उनमें केयर नहीं होती, उनमें मोहब्बत नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल से कि कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक चल सकता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा, और आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट रूम वाली को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।